आज की रेसिपी है काबुली चने ग्रेवी वाले व्हाइट चिकपीस करी। टुडेज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी ग्रेवी वाले काबुली चने। उसके लिए हमें चाहिए काबुली चने 250 ग्राम। ओवरनाइट रात को हमने इन्हें भिगो दिया था, पानी निकाल दिया। तेल 1 टेबलस्पून, प्याज 3 लंबे कटे हुए, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ धनिया 2 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1/4 चम्मच टीस्पून और पानी 1 कप हमें कुक करने के लिए और 800 ml 750 ml हमें ग्रेवी के लिए। पहले कुकर में हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिला देंगे। सिर्फ कसूरी मेथी या सूखी मेथी और जो बारीक कटा हुआ धनिया है वो नहीं मिलाएंगे, बाकी सब कुछ हम कुकर में डाल देंगे। और इसमें हम अब 1 कप पानी डाल देते हैं, इससे ग्रेवी भी रोस्ट हो जाएगी, पक जाएगी और चने भी जो हैं वो थोड़े से कुक हो जाएंगे। इस तरीके से मसाले जो हैं अलग से आपको पीसने नहीं पड़ेंगे और भूनने नहीं पड़ेंगे, इकट्ठा ही बाद में जब कुकर खोलेंगे मसाले भी भुन जाएंगे और चने भी साथ में। तो अभी ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर पे वेट डाल देंगे और पहली सीटी आने के बाद में 5 मिनट और रखेंगे, उसके बाद में गैस बंद कर देंगे। पहली सीटी बच गई है, गैस को लो कर देंगे। कुकर में प्रेशर कम हो गया है, कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। मसाले भी गल गए हैं और चने भी गल गए हैं और ये सबसे आसान तरीका है। चने और राजमा बनाने के लिए आपको अलग से मसाले ग्राइंड नहीं करने पड़ेंगे और इसमें कसूरी मेथी या सूखी मेथी डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, ये पानी सुखा देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सूखी मेथी डाल देते हैं और फिर इन मसालों को अच्छी तरह रोस्ट करेंगे, पानी भी सुखा देंगे। बीच बीच में कड़छी हिलाते रहें ताकि चने या मसाले जो हैं वो चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कि अब पानी सूख गया है, मसाले भुन चुके हैं, अच्छी तरह से चनों के साथ में मिल चुके हैं। सो कुकर में अब हम 1.25 लीटर पानी डालेंगे। आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी गाढ़ी या पतली तवी आपको चाहिए उस हिसाब से। और उसके बाद में ढक्कन लगाकर वेट लगाकर हम इसको पहली सीटी तक आने देंगे, उसके बाद में गैस लो करेंगे और 20 मिनट इसको पकने देंगे। सीटी बज गई है, गैस को लो करेंगे और 20 मिनट और रखेंगे। हमने गैस बंद कर दी है और अब प्रेशर ख़त्म हो गया है तो हम कुकर का लिड खोलेंगे। आपके चने तैयार हैं आप देख सकते हैं, लेकिन तरी आपको अगर पतली चाहिए तो आप और इसे थोड़ा सिम पे कुक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको बोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर इसको कुक करेंगे, थोड़ी सी तरी गाढ़ी करेंगे। और अब चने तैयार हैं, ग्रेवी हमारे मतलब की है, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे सर्विंग बोल में और गार्निश करेंगे हरे धनिया से। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करें ये डिश और हमें बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड डू राइट टू अस।